दोस्तों एक बार फिर आज सुबह सुबह बादल लगे हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा सुबह सुबह का लग रहा है क्या। और चाँद भी ऊपर दिख रहा है, आधा चाँद। दोस्तों बहुत ही खूबसूरत नज़ारा लग रहा है इस वक्त। और जब आप देख सकते हैं कि बादल भी धीरे धीरे आगे को बढ़ रहे हैं, चाँद को छोड़ करके अकेला, और चांद बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। क्योंकि इससे जूम करके उतना साफ तो नहीं दिखाई देगा क्योंकि मोबाइल की क्वालिटी है दोस्तों, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा चांद दिखाई दे रहा है। दोस्तों अब सुबह सुबह ठंड भी होने लग गई है, तो इसलिए सुबह अगर वॉक के लिए जाना है तो फिर जैकेट भी पहन लेता हूँ, क्योंकि ठंड से, क्योंकि मौसम का जब बदलाव होता है तो स्वास्थ्य खराब होने के पूरे जो है चांस रहते हैं, पूरी गुंजाइश रहती है, तो इसलिए ठंड से बचना बहुत ही ज़रूरी है। अब ये तो ठंड से बचाव बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अब हम हो गए हैं तैयार और हम जाएंगे अब दूध लेने के लिए। ठीक है, तो जय हो भोले शंकर भोलेनाथ। तो दोस्तों सुबह सुबह जाने लग गई है ये गाड़ी। कहाँ को जाती है? रामनगर वाली गाड़ी है ये। हाँ, ये जा रही है रामनगर के लिए सुबह सुबह। बादल ही बादल लगे हुए हैं दोस्तों आज सुबह सुबह। दोस्तों शरीर को फिट रखने के लिए रोज़ सुबह सुबह कुछ थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वॉक तो हम करते ही हैं, थोड़ा एक्सरसाइज भी कर लेते हैं। थोड़ा दोस्तों पूरा आसमान आज बादलों से पूरा ढका हुआ है। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा लग रहा है, पूरा आसमान ढका हुआ है बादलों से चारों तरफ को। और थोड़ी देर में इसकी क्या स्थिति होगी तो फिर हम दिखाएंगे आपको कि कैसा रहता है बादलों का असर आज। और दोस्तों मैदान में आ गया है हमारा ये पानी, पता नहीं नहर का पानी है या कैसे, क्योंकि नहर का तो नहीं होगा ये, लेकिन यहाँ पानी बढ़ रहा है, किस वजह से बढ़ रहा है भी ये मालूम नहीं है। रास्ता पूरा पानी से भर गया है। तो दोस्तों आज हम कुछ जल्दी आ गए हैं दूध लेने के लिए और मॉर्निंग वॉक के लिए, तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि एक राउंड जो है गांव तक लगा लेते हैं और देख करके आते हैं कि उधर के क्या हाल हैं। तो हम नदी पार करके हमको आना पड़ रहा है, जब पानी अभी थोड़ा काफ़ी है दोस्तों, थोड़ा पानी कम हो जाएगा तो फिर जो इधर आपको ये दिख रहे हैं
जो हमारे इधर ये पत्थर लगाए जाते हैं, जो फटगनी लगाए जाते हैं, ये तो ये इनमें से फिर चलने लायक हो जाएगा, और जहाँ पर फटगनी वगैरह थोड़ा कम होंगे तो उनको फिर और वहाँ पर फटगनी फिर लगाए जाएंगे जो बह गए होंगे नदी में। तो फिलहाल हम एक राउंड लगाएंगे अपने घर को, कोटली सिलोर महादेव। तो दोस्तों घर हमारे यहीं पर ही है, लेकिन फिर भी हमें मौका नहीं मिलता है। तो दोस्तों ये है हमारे नदी के किनारे का शांत वातावरण, और ऐसे शांत वातावरण में आप पहाड़ों में रहते हैं और इतने खूबसूरत नज़ारे यहाँ के होते हैं। तो दोस्तों आप भी आइए पहाड़ और ऐसे खूबसूरत नज़ारों का आनंद उठाइए। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अपने वहां कोटली के चौपाल पर, और हम अब बढ़ते हैं आगे को। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत नज़ारा लग रहा है सुबह सुबह का, इतने बादल और नीला आसमान। और शहरों में ऐसा नीला आसमान आपको कभी देखने को नहीं मिलता है दोस्तों। कहते कि जब कोविड काल चला था तो उस वक्त, या फिर हाँ कोविड काल में, क्योंकि गाड़ियाँ वगैरह सारी बंद थी, सब कुछ रुक गया था, तो तब थोड़ा सा आसमान नीला दिखाई देने लग गया था, ऐसा लोग कहते हैं। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं हम आगे को, और हमारे यहाँ जो गधेरा है वहाँ से ऊपर को हम बढ़ रहे हैं, और देखो कितने खूबसूरत फूल भी यहाँ पर लगे हुए हैं, और एक बच्चा जो है जाने लगा है स्कूल को। तो हम बढ़ेंगे अब आगे को, और लूटे वगैरह भी लगना शुरू हो चुके हैं अभी, और घास जब कट करके आएगी तो और फिर काफ़ी लूटे यहाँ पर देखे जा सकते हैं। तो दोस्तों हम पहुँच गए हैं अब अपने घर पर, और सुबह सुबह इधर क्या क्या चीज़ें हो रही है अभी देखते हैं। अरे मैं तो, चलो चाबी मैं लाया नहीं, वैसे भी मैं दूध के लिए आया था, तो दूध लेकर के जाएंगे। और यह है अनूप बाबू, सुबह सुबह उठ गए हैं। अनूप बाबू हाय बोल दो दर्शकों को हमारे। हाँ तो अनूप बाबू सुबह सुबह उठ गए हैं, और अभी खैर करेंगे मुँह धोना, चाय पानी उनकी चल रही होगी, चाय पानी पी ली होगी, अभी उनके लिए नहीं आ रही है चाय। तो ये देखो, और ऊपर मैंकुआ भी तैयार हो गया है, और ये है हमारा घर। और वो देखो धन सिंह जी भी आ गए हैं, ओबरी से यहाँ सुबह सुबह पहुँच चुके हैं, और हमारे पंकज भाई भी अभी आजकल रेस्ट पर हैं। और दोस्तों हमारे पहाड़ों के जो मकान हैं वो कितने खूबसूरत लगते हैं आप लोग देख सकते हैं, और ये मकान आपको हमारी ज़्यादातर वीडियोस में दिखाई देगा जब मैं गांव पे रहता हूं, तो क्योंकि इतना खूबसूरत लगता है ये कि मन जो है आदमी का करता है कि भाई इसको देखते रहें। और ऐसे ही खूबसूरत मकान हमारे गाँव में सबके होते हैं, चाहे गरीब हो या अमीर हो। और दोस्तों पहाड़ों में रहने का यही एक फ़ायदा है कि आप यहाँ पर राजा होते हैं, क्योंकि शहरों में जाएंगे तो फ्लैट सिस्टम में रहेंगे आप, और आपके पास इतनी जगह भी नहीं होगी वहाँ पर। लेकिन जब आप अपने गांव में रहते हैं, अपने पहाड़ों में रहते हैं, तो ऐसे मकान आपके पास होते हैं, और आगे आपके आंगन होता है, और सारे आपके अपने लोग होते हैं। तो इसलिए आप भी आइए पहाड़ कभी,
और अपने लोगों के बीच में और अपनी पुरानी यादों के साथ में। तो और ऐसे खूबसूरत नज़ारों का लीजिए आनंद। हाँ, और नीचे को नहीं, और हम देखते हैं अंदर को। ओहो, पहला पहला क्या हाल है? सब सही हो रहा है? हेलो सर। हैं काहे का है ये दोस्तों? दुर्गा भाई लेकर के आए हैं बीज। ये देखो क्या क्या चीजें बना रखी है इन्होंने, अलग अलग, ककड़ी का, कद्दू का, और हाँ करेला वगैरह भी है। करेंगे सारी बीजे इन्होंने इकट्ठे कर रखे हैं। तो दोस्तों, सुबह से लेकर शाम तक अगर हम वीडियो बना रहे तो वीडियो हमारी बहुत लंबी हो जा रही है, तो इसलिए आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। और कल शाम को 7:30 बजे फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में। तब तक आप लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें।